ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देशभर में एजुकेशन सिटी के नाम से मशहूर कोटा शहर में कोविड 19 के चलते लगभग 10 महीने बाद कोचिंग संस्थान अब खुलने जा रहे हैं। आकाश कोचिंग संस्थान ने इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं और कैसे छात्रों को इस महामारी से बचाते हुए उनके सपनों को पंख लगाने की तैयारी की जाएगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में एजुकेशन सिटी के नाम से मशहूर कोटा शहर, इसे शिक्षा की काशी की पहचान ऐसे ही नहीं मिली है। वजह यहाँ के नतीजे, यहाँ की आबो हवा जिसमें घुला हुआ है शिक्षा का एक अनुकूल वातावरण, यहाँ की हवा भी मजबूर करती है यहाँ आने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए। देश भर में मेडिकल की बेहतर पढ़ाई और उसके बेहतर नतीजे जो हर बार कोटा को शिक्षा के शिखर पर पहुँचा देते हैं। पूरे देश में कोटा वो शहर है जिसकी हवा में महकती है खुशबू, खुशबू महकती है एजुकेशन की, पूरे देश में बनाती है सबसे अलग, क्योंकि कोटा को जाना जाता है एजुकेशन सिटी। कोटा की पहचान है शिक्षा की काशी, और वो पहचान उसे ऐसे ही नहीं मिली, वो पहचान मिली है उसके नतीजों की बदौलत, क्योंकि कोटा में बनते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है कोटा को। और ये टॉपर्स जो कि यहाँ पर आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर आप देख रहे हैं, वो उसी मेहनत का नतीजा है। वो जस्टिफाई करते हैं इस बात को कि कोटा को ऐसे ही नहीं कहा जाता शिक्षा की काशी, ऐसे ही पूरे देश में कोटा अपने आप में अलग नहीं है। ये नतीजे और ये टॉपर्स, ये रैंक नंबर वन, नंबर टू, टॉप 10 के अंदर कोटा का दबदबा पूरी तरह से कायम रहता है। फिलहाल कोरोना काल के बीच में लंबे समय से कोचिंग संस्थान बंद पड़े थे, लेकिन जब 18 जनवरी से कोचिंग संस्थान शुरू हो रहे हैं तो उसके लिए कोटा तैयार है तमाम कोचिंग स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए। अपने आप में खास तैयारियां भी हैं जो कोटा के लेवल पर की गई हैं, ये देखेंगे आप। फिलहाल आकाश कोचिंग की एंट्री पर हम हैं, एंट्री पर होने के साथ में कोविड की तमाम जो गाइडलाइन है उसकी यहाँ पर पालना किस तरह से होती है, देखिए। सबसे पहले तो नो मास्क नो एंट्री, यहाँ पर स्पष्ट बोर्ड है। किस तरह से यहाँ पर तैयारी होती है आपकी एंट्री के साथ में, और जब स्टूडेंट आएंगे तो उनके लिए क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से होगी? हमारी तरफ से जैसे अभी हम स्टाफ लोग आते हैं तो सबसे पहले से हाथ सैनिटाइज होते हैं और अपना टेम्परेचर चेक होता है, उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप चेक की जाती है, ग्रीन सिग्नल होता है जब उसको एंट्री मिलती है। जिस तरह से देश दुनिया में मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोटा की एक अलग पहचान है, उतने ही अलग हैं यहाँ के नतीजे भी। ज्यादातर टॉप रैंक पर कोटा कोचिंग में पढ़े हुए छात्र अपना कब्जा जमाते हैं। कोचिंग संस्थान के अंदर आते ही आपको और भी बेहतर इंतजाम यहाँ पर नजर आएंगे, वो खुद ब खुद तस्वीरें यहाँ पर आपको बयां करती हुई नजर आएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन रहे, उसको लेकर के पूरे जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। इंतजाम को अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सोफे पर पहले 3 लोग बैठा करते थे, लेकिन अगर कोई शख्स यहाँ बैठता है तो इस सीट को यहाँ पर खाली रखा जाएगा और दूसरा शख्स जो बैठेगा वो यहाँ बैठेगा। एग्जाम्पल, इस सोफे पर 2 लोगों के बैठने की जगह है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 ही शख्स बैठेगा, यानी कि खुद ब खुद वो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन हो पाए। यही अरेंजमेंट यहाँ पर टेबल और चेयर पर भी किए गए हैं ताकि यहाँ पर भी वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। फी डिपोजिट सेंटर पर यहाँ पर कोई बड़े पैमाने पर भीड़ ना लग जाए, उसको लेकर के भी आप ये देखिए कि यहाँ पर ये मार्किंग की हुई है कि जो बच्चे यहाँ पर आए वो इतना जो दायरा है, यानी 2 गज की दूरी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर पूरी तरह से फुलफिल हो पाए। तरह के अरेंजमेंट है, एंट्री पॉइंट तो हमने देखा, लेकिन अगर यहाँ पर आता है एडमिशन के लिए स्टूडेंट और फी डिपॉजिट से लेकर के जो आपके काउंटर्स है वहाँ पर क्या अरेंजमेंट्स हैं? जैसा कि आपने बताया, पैंडेमिक सिचुएशंस को लेकर प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ पर है। जैसे कि अंदर जो कैंपस में एंट्री के बाद जो हमारा प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस है उसको भी लेकर यहाँ पर हम लोग एक टाइम पे एक ही काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं। इवन जो बाकी की काउंसलिंग है आप देख सकते हैं प्रॉपर टोटल एरिया में, हम लोग इसी एरिया में प्रॉपर टोटल काउंसलिंग्स को, वेटिंग एरिया में हम लोग पैंडेमिक सिचुएशंस को देखते हुए पूरा अरेंजमेंट है यहाँ। कोरोना काल के बीच लंबे समय से कोटा के कोचिंग संस्थान बंद थे, लेकिन अब 18 जनवरी से कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है, सामने सर है
सर के सामने ये पूरा की पूरा ग्लास लगा हुआ है ताकि सर को भी कोई खतरा ना रहे और आने वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी कोई खतरा ना रहे और कोविड की गाइडलाइन की ठीक तरीके से पालना हो पाए। तो देखिए ये ग्लास यहाँ पर लगाया हुआ है, स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके चेहरे पर मास्क है, पास वाली चेयर खाली रहे, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जो चेयर है उसे ब्लॉक किया है। इनके साथ में इनके पेरेंट्स आए हैं, उन्हें यहाँ पर पीछे की चेयर दी गई है ताकि इनकी जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर मेंटेन रह पाए। तो सर एक बात बताइए कि यहाँ जब आप आए हैं तो ये अरेंजमेंट्स, क्योंकि सब फिलहाल कोचिंग शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं डर एक मन में ये रहता है कि कोविड से बच्चा इफेक्ट ना हो जाए, कोविड की गाइडलाइन कोचिंग संस्थान के अंदर ठीक तरीके से फुलफिल हो रही है या नहीं, तो आकाश के अंदर जब आप एंटर किए तो क्या लगा? नहीं, आकाश के अंदर जब हम एंटर किए तो एक तो पहले वहां पे एंट्री किए और यहाँ पे जो है कि सैनिटाइजर हम यूज किए और यहाँ पे आने के बाद से सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरा पालन हो रहा है। ये डाउट काउंटर है, पहले डाउट काउंटर्स ग्राउंड फ्लोर पर हुआ करते थे, सारे जो सब्जेक्ट्स के ग्राउंड जो डाउट काउंटर्स हैं वो एक ही जगह पर हुआ करते थे, लेकिन अब ये बड़ी तब्दीली लाई गई है कि हर अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग सब्जेक्ट का डाउट काउंटर होगा। ये फिलहाल आप जैसे देख सकते हैं बॉटनी का डाउट काउंटर है, डाउट काउंटर पर जो सर है वो यहाँ पर मौजूद है, सर ने मास्क लगाया है, स्टूडेंट ने भी मास्क लगाया है और बीच में आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट ना हो पाए, सर भी सेफ रहे, स्टूडेंट भी सेफ रहे, उसको लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में ये ग्लास लगाया गया है ताकि पूरी तरह से सेफ्टी के साथ में स्टूडेंट अपने डाउट को यहाँ पर क्लियर कर ले। तो फिर एक बार कोटा कोचिंग छात्रों से गुलजार होगा और एक बेहतर वातावरण के साथ आपके बच्चे के स्वास्थ्य की हिफाजत की तमाम जिम्मेदारियों के साथ कोटा में फिर से शुरू होगी भविष्य बनाने की रफ्तार। अब हम आपको लेकर के आए हैं आई ट्यूटर लैब के अंदर। अगर गलती से भी किसी वजह की वजह से आपका बच्चा क्लास को मिस कर गया है, उसके कुछ डाउट्स हैं जिनको वो क्लियर नहीं कर पाया है, या कोई ऐसा चैप्टर है जिसको वो मिस कर गया है या उस पर उसका बहुत सारा कंफ्यूजन है जिसे वो क्लियर नहीं कर पाया है, तो इस लैब के अंदर वो तमाम सवालों के जो हल हैं उसे यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल पूरी तरह से रखा गया है, बीच के अंदर ये गैप जो है वो रहेगा, हर बुक यहां पर मौजूद है, हर सब्जेक्ट की बुक यहां पर मौजूद है ताकि किसी भी तरह से उसका जो डाउट्स है उसे बहुत स्पेसिफिक तरीके से वो यहां पर उसको क्लियर कर पाएगा। बायोलॉजी से लेकर के तमाम सब्जेक्ट्स की जो बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, वो सब यहां पर है और बकायदा जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, एक्सपर्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी उन्हें यहां पर मिल पाएंगे, तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनके हल यहां पर मिल पाएंगे। किस तरह की ये लैब है सर, इसके बारे में बताएंगे? आई ट्यूटर से संबंधित है सर, बच्चा अगर क्लास में कोई लेक्चर मिस करता है तो बच्चा पहले आकर के यहां पर प्रिपरेशन कर सकता है, अगर उसको कोई डाउट आता है तो रजिस्टर में नोट कर सकता है, डाउट फैकल्टी हमारी हर फ्लोर पर विद्यमान रहती है, वहां आकर के बच्चा डाउट क्लियर कर सकता है। आपके अपनों के सपनों को साकार करने की जिद अब पूरी होने वाली है, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं खुद बता रहे हैं आकाश कोचिंग के रीजनल डायरेक्टर अखिलेश दीक्षित। फिलहाल मेरे साथ में मिस्टर अखिलेश दीक्षित साहब हैं जो रीजनल डायरेक्टर हैं आकाश कोचिंग के। दीक्षित साहब, तमाम अरेंजमेंट्स हमने देखे, आपने हर जगह पर एंट्री पॉइंट से लेकर के क्लासरूम तक स्टूडेंट को सेफ रखने के लिए तमाम अरेंजमेंट्स किए हैं, उनके बारे में सबसे पहले कुछ अगर कहना चाहे तो, क्योंकि 18 जनवरी से कोचिंग खुल रहे हैं और लंबे समय बाद में आखिरकार वो दिन आ गया है जिसका कोटा को इंतजार था और पूरी तैयारी भी आपकी है। एज ए रिपोर्टर हिमांशु और एज ए पेरेंट, दोनों तरह से आपने देख लिया होगा कि शायद ही ऐसा कोई एंगल हो जो हमसे छूटा हो, एक संस्थान जितना कर सकता है उतना हम लोगों ने कर लिया है और पेरेंट्स को और बच्चों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि बच्चा जितना सुरक्षित अपने माँ बाप के साथ है उससे ज्यादा ही सुरक्षित हमारे साथ है। इतने अरेंजमेंट्स हमने कर लिए हैं, पूरी इमरजेंसी सर्विसेज सब रेडी हैं, भगवान ना करे जरूरत पड़े, लेकिन प्रिपरेशन पूरी है, हर तरह की प्रिपरेशन है, गेट से लगाकर क्लासरूम तक, उसके बाद आई ट्यूटर लैब से लगाकर उसके वापस जाने तक लगभग हर प्रिपरेशन हमारी पूरी है, जो एसओपीज हैं, जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी पूरी है। तो पेरेंट्स को जिस तरह से बच्चा घर में एक रूम से निकलकर दूसरे रूम में जाता है, यकीन मानो उतना ही सुरक्षित है जब वो अपनी सिटी से निकलकर हमारे आकाश इंस्टीट्यूट में एंटर करेगा।
लंबे समय से बंद कोचिंग सेंटर्स फिर खुलने जा रहे हैं, जिसे लेकर छात्रों में बहुत उत्साह है। साथ ही परिवार के लोगों के सपनों को भी पंख लगने जा रहे हैं। कोचिंग खुलने को है तो देखा आपने इसको लेकर के कोटा की तैयारियों को, देखा आपने आकाश कोचिंग की तैयारियों को। यहाँ पर ना केवल आपके बच्चे को एजुकेशन मिलनी है, यहाँ से ना केवल आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा बल्कि आपके बच्चे की सेहत का ख्याल भी यहाँ पर पूरी तरह से रखा जाएगा। कोरोना से वो हमेशा सेफ रहे इसके लिए सख्त गाइडलाइन है और उनकी सख्ती से पालना भी हो रही है। तो कोटा 18 जनवरी से खुल रहा है और आकाश में आपने देखा तमाम अरेंजमेंट्स को, यानी कि आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यहाँ आने के बाद में आपका बच्चा पूरी तरह से सेफ रहेगा और जो सपना आप संजो करके उसे कोटा भेज रहे हैं वो निश्चित तौर पर आकाश में आने के बाद में साकार हो पाएगा। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर